बॉस मराठी जी हाँ दोस्तों, नवीन वीडियो में सर्वांचे स्वागत है। दोस्तों, निकी और अभिजीत का हो गया है झगड़ा, क्योंकि अभिजीत ने अंकिता को, हमारी कोंकणी गर्ल को, कैप्टन बना दिया है घर का। इसीलिए निकी का जो है दोस्तों अभिजीत के साथ झगड़ा हो गया है, और ये बात निकी को नहीं हुई हजम, और इसीलिए निकी ने अभिजीत को बोला, तू बाकी सबको कैप्टन बना सकता था घर में, लेकिन तूने अंकिता को क्यों कैप्टन बनाया, तूने मुझे क्यों नहीं बनाया कैप्टन। तो इसी बात पे निकी जो है अभिजीत से बहुत झगड़ा हुआ, प्रोमो में यही दिखाया गया है दोस्तों। और ये बता दूं कि सब लोग नॉमिनेटेड है। जी हाँ दोस्तों, सब लोग नॉमिनेटेड है, घर वाले सब नॉमिनेटेड है। और मुझे लग रहा है इस बार पैडी दादा का गेम खत्म होने वाला है, मेड की विक्शन होने वाला है पैडी दादा का। जी हाँ दोस्तों, पैडी दादा का जो है वो गेम खत्म होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग वर्षा ताई को निकालेंगे, और डीपी भाव को भी ये लोग नहीं निकालेंगे, अंकिता को भी ये लोग नहीं निकालेंगे जिस तरीके से लगे, क्योंकि अंकिता कैप्टन बन गई है। लेकिन कैप्टन बनने का ये मतलब नहीं है कि वो बाहर नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके का वोटिंग पावर है अंकिता का बहुत ज्यादा है, कोंकणी गर्ल हमारी, तो उस हिसाब से दोस्तों अब यहाँ पर गेम जो है बहुत खतरनाक हो चुका है। अभिजीत ने अंकिता को कैप्टन बना दिया ये बोलते हुए कि तू निकी को कि तू कैप्टन नहीं बन सकती निकी, क्योंकि तू डिसीजंस नहीं ले पाती है ना। यहाँ पर जो निकी जो है अब अगला कोई लड़का ढूंढ रही थी, मतलब जैसे कि उसकी बातों में चले कोई लड़का, ऐसा वो ढूंढ रही थी। एग्जांपल अरबाज जैसा कोई बकरा चाहिए अब निकी को, जैसे कि वो अभिजीत को सोच रहे, अभिजीत को बनाना चाहती थी है ना, कि निकी जो बोले अभिजीत वही करेगा, लेकिन अभिजीत वैसा नहीं है ना, अभिजीत दूसरा अपना गेम खुद खेलता है वो। और यहाँ पर दोस्तों और एक जो है सूरज को भी कोशिश किया था, क्योंकि आज अंकिता ने सूरज को नॉमिनेट करते हुए ये बोला कि सूरज जो है वो अपने डिसीजंस खुद नहीं लेता, वो कंफ्यूज रहता है, वो निर्णय नहीं ले पाता ठीक से घर में, है ना, ये भी बोला अंकिता ने। और अंकिता ने आई थिंक निकी को भी नॉमिनेट किया है यहाँ पर। ये नॉमिनेशन सब लोग नॉमिनेटेड है जी हाँ दोस्तों, सब लोग घर में नॉमिनेटेड है, ऑल आर नॉमिनेटेड, कोई यहाँ पर वो नहीं है अभी। और बिग बॉस ने बोल दिया 6 तारीख को जो है वो फिनाले है, और टीआरपी भी ज्यादा आई है इस बार, भाउचा दखा का आई थिंक 4.5 आया और एपिसोड्स का आया 4, तो अच्छा खासा फिनाले वो, मतलब टीआरपी भी अच्छी आई इस बार, और अरबाज ने अच्छा वो करके गया, वो टास्क खेल के गया, तो बहुत ही मजेदार आया है दोस्तों। और अभिजीत और निकी का हो गया है झगड़ा यहाँ पर। और आज आपने देखा निकी और अभिजीत को कॉफी दिया गया, स्पेशल कॉफी, क्योंकि अभिजीत बोल रहा था मतलब कॉफी पाहिजे, तो दोनों को कॉफी दे दिया अभिजीत और निकी को यहाँ पर। बिग बॉस इस बार मराठी बिग बॉस कुछ अलग ही है दोस्तों, बहुत बड़ा गेम चल रहा है इधर, कोई भी जीत सकता है शो, और मुझे ऐसा लग रहा है अभिजीत या फिर सूरज या फिर अंकिता भी जीत सकती है शो। टॉप 5 जो है बहुत खतरनाक तरीके से लोग छान छान के निकालेंगे, क्योंकि ये हिंदी बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस मराठी है, यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता फैसला करेगी किसको वो पसंद करती है ना। यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा, जो मर्जी आ जाएगा टॉप 5 टॉप 2 में किसी को भी लेके आ जाएंगे, ये लोग छान छान के निकालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है सूरज या अभिजीत, इन दोनों में से कोई जीतने वाला है शो। मुझे अभिजीत का बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है, क्योंकि अभिजीत का जो वोटिंग पावर है ना, अभिजीत का फैन फॉलोइंग बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और वो अब की फैन फॉलोइंग नहीं है अभिजीत की, अभिजीत इंडियन आइडल सीजन 1 जीता आई थिंक ना, और उसने जो 2 गाने निकाले थे वो 2 गाने इतने हिट थे उस टाइम, अभी भी लोग सुनते हैं, और मतलब अभिजीत मतलब बहुत ज्यादा फेमस है वो दोस्तों, मतलब महाराष्ट्र की जनता उसको बहुत वो करती है वोटिंग के लिए, वो कभी भी पीछे नहीं जाएगा वो, मुझे ऐसा लग रहा है। सूरज भी सेम दोस्तों, यहाँ पर डीपी भाव का भी बहुत वोटिंग पावर है, वर्षा ताई का भी वोटिंग पावर है, वर्षा ताई का गेम कुछ है नहीं, लेकिन वो जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जो बोलती है स्ट्रेट रहती है। लेकिन निकी जो है, निकी का मुझे नहीं लगता कि निकी को लोग टॉप 2 में लेके जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है निकी टॉप 2 में जाएगी, देख लीजिएगा यहाँ पर निकी जो है आई थिंक वो टॉप 5 में अपना जगह बनाने की कोशिश तो कर रही है वो, लेकिन यहाँ पर हो चुका है उनका झगड़ा। आज भी निकी का पैडी दादा के साथ झगड़ा हुआ था बर्तन मांजने को लेके, वो बर्तन नहीं मांजी, फिर पैडी दादा ने बोल दिया तू अपना खाना खुद बना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब पैडी दादा का जो है कोई भी जा सकता है दोस्तों, अरबाज भाई अगर जा सकते हैं ना तो कोई भी जा सकता है, पैडी दादा भी जा सकते हैं, या फिर वर्षा ताई भी जा सकती है, कोई भी जा सकती है, वो तो कल ही पता चलेगा। अब कैप्टन बन चुकी है हमारी कोंकणी गर्ल अंकिता वालवालकर, जी हाँ दोस्तों अभिजीत ने बना दिया है कैप्टन। चलिए तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, खूब मतलब और क्या बोलूँ, और जो दिखाया गया हमें वो लोग
चलिए तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। चलिए थैंक यू भाई, किसी के फैंस को कुछ बुरा लगा तो सॉरी, मला माफ़ करा।